बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 11th क्लास मैथ्स में चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 का टाइटल हमारे साथ है वेक्टर, ठीक है। तो स्टार्ट हम लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी, एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड is called physical quantity. For example, mass, pressure, temperature, volume, etc. ठीक है, वो क्वांटिटी जो हम मेजर कर सकते हैं। जिस तरह हमारे साथ मास है तो मास हम मेजर कर सकते हैं। हम कहते हैं कि मास 2 किलोग्राम है, इसका मास 3 किलोग्राम है। इस तरह प्रेशर हम मेजर कर सकते हैं, इस तरह टेम्परेचर हम मेजर कर सकते हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी हमारे साथ दो किस्म के हैं। एक हमारे साथ है स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज, दोस फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या है? नंबर विद प्रॉपर यूनिट, नंबर विद प्रॉपर यूनिट। फॉर एग्जांपल, मास, टेम्परेचर, वॉल्यूम एक्सेट्रा, ठीक है। इसमें डायरेक्शन की जरूरत ना हो, जिसको हम कंप्लीटली स्पेसिफाई करते हैं इसकी मैग्नीट्यूड से। जैसे हम कहते हैं मास हमारे साथ 2 किलोग्राम है, तो 2 हमारे साथ नंबर है और किलोग्राम हमारे साथ इसका प्रॉपर यूनिट है। इसमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती। इस तरह हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, हम कहते हैं टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरा हमारे साथ है फिजिकल क्वांटिटीज का वेक्टर क्वांटिटीज। दोस फिजिकल क्वांटिटीज, दोस फिजिकल क्वांटिटीज which are completely specified by magnitude as well as direction. magnitude के साथ साथ इसमें direction की भी जरूरत होती है। For example, हमारे साथ फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी वगैरह, ठीक है। तो अब 20 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स ईस्ट या टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। तो इस तरह या 20 न्यूटन फोर्स एट एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। तो इसमें डायरेक्शन की जरूरत होती है। इस तरह डिस्प्लेसमेंट में हमारे साथ डायरेक्शन की जरूरत होती है। इस तरह एक्सेलरेशन में हमारे साथ डायरेक्शन की जरूरत होती है। तो वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है, उसको हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं, ठीक है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। स्केलर को हम सिंपल अर्थमेटिक रूल से ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, 2 न्यूटन 2 किलोग्राम प्लस 2 किलोग्राम इज इक्वल टू 4 किलोग्राम। लेकिन वेक्टर को हम सिंपल अर्थमेटिक रूल से ऐड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, 230 न्यूटन एट एंगल ऑफ 45 डिग्री प्लस 45 न्यूटन एट एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो इसको हम सिंपली ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स
ग्राफी के लिए वेक्टर्स आर represented by a line segment with an arrowhead. The line segment shows magnitude actually r according to scale. And arrowhead shows the direction. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ ये एक वेक्टर है. ठीक है, अब इसके सामने मैं लिखता हूँ 20 या 25 सेंटीमीटर. ठीक है, तो और प्लस इसका एक्चुअल लेंथ भी 25 सेंटीमीटर है. ठीक है, तो शोज द मैग्नीट्यूड एक्चुअली मतलब 25 सेंटीमीटर है और 25 सेंटीमीटर हमें शो करता है और ये एरो हेड हमें डायरेक्शन शो करता है. और दूसरा वेक्टर मैं ड्रा करता हूँ, इसके नीचे मैं लिखता हूँ 25 न्यूटन. ठीक है, तो अब न्यूटन को मैं कागज पे ड्रा नहीं कर सकता या व्हाइट बोर्ड पे ड्रा नहीं कर सकता. ठीक है, तो ये 25 न्यूटन, ये इसके मैंने स्केल लिया है. फॉर एग्जांपल 1 न्यूटन = 1 सेंटीमीटर, तो ये मैं 25 सेंटीमीटर ड्रा करता हूँ. तो इसलिए मैंने लिखा है कि द लाइन सेगमेंट शोज मैग्नीट्यूड एक्चुअली आर अकॉर्डिंग टू स्केल, या एक्चुअल लेंथ होगा या इसमें कोई स्केल हमने यूज किया होगा. ठीक है, और एरो हेड ये हमें डायरेक्शन शो करता है. ठीक है, अब मैंने आपको बताया, अब हमारे साथ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मैंने आपको बता दिया कि हमारे साथ जो लेंथ है ये हमें जो लाइन सेगमेंट का लेंथ है ये एक्चुअली है या स्केल के मुताबिक है या ये हमें मैग्नीट्यूड शो करता है. मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैंने आपको बता दिया कि हमारे साथ ये 25 सेंटीमीटर या 25 न्यूटन में हमारे साथ मैग्नीट्यूड है. अब ये इसका मैग्नीट्यूड 25 सेंटीमीटर है. ठीक है, और ये अगर हम स्केल के मुताबिक ड्रा करें, फर्ज करें हम ले लें कि 1 न्यूटन = 1 सेंटीमीटर, तो 25 न्यूटन को हम 25 सेंटीमीटर ड्रा करेंगे तो इसका एक्चुअल लेंथ 25 सेंटीमीटर होगा लेकिन इसका मैग्नीट्यूड हमारे साथ 25 न्यूटन होगा. ठीक है, अब इक्वल वेक्टर हमारे साथ है. इक्वल वेक्टर, टू वेक्टर्स विल बी इक्वल, टू वेक्टर्स विल बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, अगर दो वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो तो वो वेक्टर हमारे साथ इक्वल वेक्टर्स होंगे. ठीक है, नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, अगर ए वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट एंड डायरेक्शन. ठीक है, नेगेटिव वेक्टर हमारे साथ अगर दो वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो. नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, अब आपके साथ वेक्टर ए है. ठीक है, हमारे साथ दूसरा वेक्टर बी है, तो हमारे साथ बी ए का नेगेटिव वेक्टर है. ठीक है, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो. ठीक है, इस तरह जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, तो वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड हमारे साथ जीरो हो उसको हम जीरो या नल वेक्टर कहते हैं. ठीक है, आर्बिट्री डायरेक्शन हो और जीरो मैग्नीट्यूड हो तो ऐसे वेक्टर को हम जीरो वेक्टर कहते हैं. ठीक है, यूनिट वेक्टर हमारे साथ वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमारे साथ वन हो. यूनिट वेक्टर हमें सिर्फ डायरेक्शन शो करता है, इसका मैग्नीट्यूड वन होता है. ठीक है, यूनिट वेक्टर बराबर होता है वेक्टर एंड दैट डायरेक्शन,
वेक्टर एंड दैट डायरेक्शन डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ द वेक्टर, मॉडुलस या मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ठीक है, अब हमारे साथ है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर हमारे साथ डिफिनेशन है, पैरेलल वेक्टर एफ ए इज इक्वल टू अल्फा वी, ए इज इक्वल टू हमारे साथ वेक्टर ए है, ठीक है, अल्फा एन वेक्टर है और बी भी हमारे साथ वेक्टर है। तो अगर ये कंडीशन ओबे करता है ए इज इक्वल टू अल्फा बी, तो अल्फा हमारे साथ वेक्टर है, अल्फा हमारे साथ वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, पॉइंट फाइव भी हो सकता है, ठीक है, तो हमारे साथ दो वेक्टर माइनस भी हो सकता है। ठीक है, अब हमारे साथ एक वेक्टर ए है, हमारे साथ वेक्टर ए है, ठीक है, अब इसके इसमें मैग्नीट्यूड को मैं डबल करता हूँ, टू ए करता हूँ, ठीक है, टू ए, और दूसरा मैं लेता हूँ माइनस टू ए, तो ये हमारे साथ इसी केस में ए और टू ए के केस में अल्फा बराबर है टू ए का, टू का, और ए और माइनस टू के केस में अल्फा बराबर है माइनस टू का, तो 2ab a का पैरेलल वेक्टर है और माइनस 2ab a का पैरेलल वेक्टर है। अब हमारे साथ है एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल्स। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल्स, हेड टू टेल रूल्स, ठीक है, तो इसका सिंपल है कि ड्रा, आपको दो या तीन वेक्टर या दो से ज्यादा जितने भी वेक्टर गिवन हो और आपसे रिक्वायर्ड ये हो कि इसको हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड कर लें, तो ड्रा फर्स्ट वेक्टर, आप कोई भी वेक्टर फर्स्ट वेक्टर ले सकते हैं, ठीक है, ड्रा फर्स्ट वेक्टर एक्चुअली आर अकॉर्डिंग टू स्केल, अगर स्केल की जरूरत हो तो स्केल ले लें, ठीक है, इस पर हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आपको फिर क्लियर हो जाएगा, आर अकॉर्डिंग टू स्केल इन ए गिवन डायरेक्शन, आपको डायरेक्शन भी गिवन होगा, मैग्नीट्यूड भी गिवन होगा, तो मैग्नीट्यूड एक्चुअली ये ड्रा करें या अगर स्केल की जरूरत हो तो इसमें स्केल ले लें, ठीक है, और उसी डायरेक्शन में कनेक्ट, अब दूसरा वेक्टर ड्रा करना है तो कनेक्ट द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर टू द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एक्चुअली आर According to scale, according to scale in a given direction, and so on. So on का मतलब है अगर तीसरा वेक्टर हो तो इसी तरह कनेक्ट कर लो, ठीक है, और आखिर में फाइनली रिजल्टिंग आप ड्रा करना है तो फाइनली कनेक्ट फॉर रिजल्टेंट, फॉर रिजल्टेंट कनेक्ट कनेक्टिंग टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, वो आपका रिजल्टेंट होगा, तो इसी आप फिर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मालूम करें, ठीक है, तो इस पर हम एग्जांपल करेंगे, पहले आप प्रॉब्लम हम इस पर सॉल्व करेंगे, फिर वेक्टर ए है स्केल के मुताबिक आपने ड्रा कर दिया, फिर वेक्टर बी में कनेक्ट टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर टू द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, अब इसका रिजल्टेंट आपने मालूम करना है, तो कनेक्ट फाइनली फॉर रिजल्टेंट कनेक्ट टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा, ठीक है।